मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। गेम खेल रहे थे बच्चे के हाथ में फटा मोबाइल, अलग हुई उंगलियां। पिता ने फोन लेते हुए की थी एक बड़ी गलती। इन दिनों मोबाइल फटने की कई खबरें सुर्खियों में रहती है। कुछ ऐसी ही खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से आई है, जहाँ के मुखेड़ में एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फट गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा फोन पर गेम खेल रहा था, तभी मोबाइल फट गया। हादसे में बच्चे के हाथ की उंगलियां उड़ गई। बताया जा रहा है कि ये फोन बेहद घटिया क्वालिटी का था। इसके पिता ने इस फोन को ऑनलाइन खरीदा था। बच्चे के पिता ने 1500 रुपए में 3 फोन खरीदे थे, जिसके साथ उसे एक घड़ी भी मिली थी। आपको बता दें, ऑनलाइन मिलने वाले सस्ते फोन की बिल्ड क्वालिटी बेहद खराब होती है। ऐसे फोन में इस्तेमाल होने वाला हार्डवेयर मटेरियल जैसे मदरबोर्ड, रैम, मेमोरी, बैटरी के मेकिंग पैरामीटर्स की पूरी नहीं होते। कम पैसे में प्रोडक्ट तैयार करने के चलते ऐसा किया जाता है। अगर फोन बैटरी की बिल्ड क्वालिटी खराब है, तब वो यूज और चार्जिंग के दौरान तेजी से गर्म होती है। इस तरह की बैटरी फूलने भी लगती है। एक समय के बाद जब उन्हें चार्जिंग पर लगाया जाता है, तब पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से इसमें ब्लास्ट होने का खतरा और बढ़ जाता है। कई बार फोन ब्लास्ट होने की वजह आपकी छोटी सी गलती भी हो सकती है। ऐसे में आपकी सेफ्टी के लिए हम ऐसी 10 गलतियां बता रहे हैं, जो आपको फोन के साथ कभी नहीं करना चाहिए। फोन को तकिए के नीचे रखने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे डिवाइस पर प्रेशर भी क्रिएट होता है। इससे हीट जनरेट होने की आशंका बढ़ जाती है और फोन फटने का खतरा होता है। डुप्लीकेट चार्जर और एडाप्टर का इस्तेमाल कभी ना करें। मोबाइल अगर गर्म हो रहा है तो उसे फिर तुरंत चार्ज न करें। रात भर चार्ज पर लगाकर न छोड़ें। चार्जिंग के वक्त फोन को कभी भी ऐसी चीजों के नजदीक न रखें जो आसानी से आग पकड़ सकती हो, जैसे कपड़े या बेडशीट। फोन में खराबी आ गई है तो ऑथराइज्ड सेंटर्स पर ही रिपेयर करवाएं, लेकिन लोकल शॉप पर न जाएं। मोबाइल कभी भी शर्ट या स्वेटर के ऊपरी जेब में न रखें। गाड़ी के डैशबोर्ड या कहीं भी ऐसी जगह रखकर फोन को चार्ज न करें जहां सीधे सूरज की रोशनी आती हो। डुप्लीकेट बैटरी कभी भी न खरीदें, क्योंकि यह कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। हमेशा कंपनी की ही बैटरी का इस्तेमाल करें। तो देखते रहिए खास खबर MNS न्यूज लाइव के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।